हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। अगर आप हरियाणा के किसी भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और शिकायतें बार बार कहना पड़ता है, वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो पर ना ही लाइक करते हो ना ही वीडियो को शेयर करते हो। आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो ज़रूरतमंदों को और 6 महीने मिलेगा मुफ्त राशन। केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर तक बढ़ाई पीएम कल्याण योजना की मियाद। तो बता दें कि यूपी की योगी सरकार के बाद अब केंद्रीय कैबिनेट ने भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 6 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि इससे पहले यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ग्रहण करने के दूसरे ही दिन यानी शनिवार को मुफ्त राशन योजना 3 महीने के लिए बढ़ाई थी। अब पहले यह योजना मार्च 2022 तक थी, लेकिन योगी कैबिनेट की पहली बैठक में इस योजना को 3 माह तक बढ़ाने पर मोहर लगाई गई थी। अब वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने भी सितंबर महीने तक फ्री राशन देने का वादा कर दिया है, बड़ी घोषणा की है। हरियाणा ऑडिबल रेल कॉरिडोर को लगेंगे पंख। केएमपी एक्सप्रेस वे की साथ साथ बनेगा कॉरिडोर। रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए रेल मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में कुंडली मानेसर बलवर एक्सप्रेसवे के साथ साथ 5,618 करोड़ रुपए की लागत से यह विशेष हरियाणा ऑडिबल रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हरियाणा के चर्चित आईएएस अशोक खेमका का एक और ट्वीट बम। अब सांसदों विधायकों की पेंशन पर उठाया सवाल। तो पंजाब की भगवंत मान सरकार ने विधायक को सिर्फ एक टर्म की पेंशन देने का ऐलान किया है। इसका हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि क्या दूसरे प्रदेश भी इसका अनुसरण करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा, एनसीआर में अब प्रदूषण के हॉटस्पॉट बने क्षेत्र बनेंगे ग्रीन हॉटस्पॉट। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हिसार के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने वहां जेजीयू के सभागार में कहा कि राज्य को प्रदूषण से मुक्त कराने को कदम उठाएंगे। हरियाणा के एनसीआर में पड़ने वाले प्रदूषण के हॉटस्पॉट बने क्षेत्रों को ग्रीन हॉटस्पॉट बनाएंगे। हरियाणा में 28 से रोडवेज बसों का चक्का जाम। हड़ताल पर एकजुट हुई 10 कर्मचारी यूनियने। तो हरियाणा रोडवेज कर्मचारी 28 व 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे। इसके लिए 10 रोडवेज कर्मचारी यूनियन एक हो गई हैं। एससी एम्प्लॉयज संघर्ष समिति और हरियाणा वर्कशॉप यूनियन ने हड़ताल से किनारा किया है। जान लेते हैं मौसम अपडेट। तो हरियाणा पंजाब दिल्ली एनसीआर में गर्मी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने जारी किया है हाई अलर्ट। तो हरियाणा पंजाब दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग ने इसे लेकर के अलर्ट जारी किया है। अभी हवा का रुख बदलने से हरियाणा में रात का तापमान गिरा, लेकिन पंजाब व दिल्ली में अभी भी राहत नहीं मिली है। हरियाणा कांग्रेस में एकता की कोशिशों के बीच कुलदीप बिश्नोई का बड़ा कदम। पिता के सियासी गढ़ से नया दांव। तो हरियाणा कांग्रेस में एकजुटता की कोशिशों के बीच कुलदीप बिश्नोई ने नया कदम उठाया है। कुलदीप बिश्नोई खुद पिता को वजनलाल की तरह गैर जाट नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए पिता की सियासी गढ़ रहे करनाल में रैली करेंगे। हरियाणा में नगर परिषद चेयरमैन के प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 16 लाख रुपए, पालिका अध्यक्ष के लिए 10.5 लाख रुपए। तो हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव जल्द होने की तैयारी की जा रही है। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए खर्च सीमा में बदलाव किया गया है। अब नगर परिषद के चेयरमैन के प्रत्याशी 16 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। हरियाणा में प्ले वे स्कूलों में बदले आंगनवाड़ी केंद्र। 1 अप्रैल से शुरू होंगे नौनिहालों के दाखिले। तो हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले वे स्कूलों में बदला गया है। 1 अप्रैल से इनमें दाखिला प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। करनाल में 1489 आंगनवाड़ी केंद्रों में से प्ले वे स्कूलों के लिए 90 से अधिक कर्मचारियों को ट्रेनिंग में शामिल किया गया है। हरियाणा के करनाल में ट्रांसफार्मर चोर गिरोह का पर्दाफाश। 338 वारदातों को दे चुके हैं अंजाम, ऐसे करते थे चोरी। तो करनाल में ट्रांसफार्मर चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। करीब 1.5 साल में ही करनाल जिला में दिया 338 वारदातों को अंजाम। कैथल व कुरुक्षेत्र में भी की वारदातें। डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने गिरोह के 4 आरोपित किए गए गिरफ्तार, सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हरियाणा में 3,000 पदों पर होगी शारीरिक व कला शिक्षा सहायकों की भर्ती। अनुबंध के आधार पर रखा जाएगा।
तो हरियाणा सरकार 3000 पदों पर शारीरिक और कला शिक्षा सहायकों की कच्ची भर्ती करने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कौशल रोजगार निगम को चयन प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। 2000 पद शारीरिक शिक्षा व 1000 पद कला शिक्षा सहायकों के भरे जाएंगे। इन भर्तियों में सरकार सुप्रीम कोर्ट व पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसलों के बाद नौकरी गंवा चुके पीटीआई और ड्राइंग शिक्षकों को भी तवज्जो देगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हरियाणा के इन जिलों में बढ़ा बसों का किराया। तो बस स्टैंड शिफ्टिंग के साथ ही रोडवेज अधिकारियों ने अब विभिन्न रूटों पर किराया बढ़ा दिया है। इसके लिए रोडवेज अधिकारी विभिन्न रूटों पर सर्वे कर रहे हैं। सर्वे के अनुसार हिसार भिवानी कैथल करनाल गुरुग्राम दिल्ली का 304 रुपये बढ़ाया गया है। वहीं पानीपत गोहाना का किराया कम किया गया है। जींद से कैथल का 69 रुपये, भिवानी का 89 रुपये, हिसार का 92 रुपये, चंडीगढ़ का 239 रुपये किराया देना होगा। नए बस अड्डे से संचालित बसों पर लागू पिंडारा के पास नया बस अड्डा शुरू होने से शहरवासियों को जाम से राहत तो मिलेगी, लेकिन यात्रियों पर किराए की मार पड़ेगी। बता दें कि पुराने बस अड्डे से नए बस अड्डे के बीच करीब 4 किलोमीटर का फासला है, इसलिए रोडवेज द्वारा किराए में फेरबदल करते हुए कई रूटों का किराया बढ़ाया है, तो कुछ रूटों का किराया कम भी किया गया है। तो ये रही हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।